मैं हूँ रेनू और आप देख रहे हैं द एफ फ्यूजन शो। तानाजी द अनसंग वॉरियर। जी हाँ, तानाजी फिल्म को रिलीज हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और 150 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। कई लोग शायद इसके इतिहास से वाकिफ हो, पर कई दर्शकों को इसकी जानकारी इस फिल्म के जरिए पहली बार मिली। शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद सूबेदारों में तानाजी मालुसरे थे। तानाजी भी शिवाजी महाराज के इस विश्वास पर हमेशा तत्पर रहना चाहते थे। अजय देवगन ने तानाजी की भूमिका जितनी खूबसूरती से निभाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। और तानाजी की पत्नी सावित्री बाई मालुसरे की भूमिका में काजोल ने भी बढ़िया काम किया है। सबसे ज्यादा तारीफ सैफ अली खान की हो रही है, जिन्होंने उदय भान सिंह राठौर का किरदार बहुत ही दमदार तरीके से निभाया है। इन सबके बीच हम सब शरद केलकर को भूल रहे हैं, जिन्होंने शिवाजी महाराज की भूमिका बड़े ही सदे हुए अंदाज में निभाई है। शरद की आवाज को लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बाहुबली के हिंदी वर्जन में प्रभास की आवाज शरद केलकर ही बने थे। तानाजी द अनसंग वॉरियर अगर आपने फिल्म अब तक नहीं देखी है तो फिर कर क्या रहे हैं, जाइए फैमिली के साथ देख करके आइए और कमेंट सेक्शन पे बताना मत भूलिएगा कि मूवी कैसी लगी। तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर अच्छी लगी वीडियो, एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।